हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बथुआ साग के कोफ्ते बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बथुआ साग ले ली हूँ। इसे हमें सबसे पहले अच्छे तरीके से धो लेना है और चॉप कर लेना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे साग को चॉप कर चुकी हूँ। तो अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे, 4 चम्मच। बेसन ऐड कर देने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, और इसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर भी हमें 1 छोटा चम्मच ही ऐड करना है, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दें। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा पानी ऐड करना है जिससे कि मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार और मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिए हैं और ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें हमारा मिक्सचर का बॉल्स बना के ऐड कर देंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। उसी तेल में अब हम जीरा ऐड कर देंगे और जीरा चटक जाने के बाद हम हींग ऐड करेंगे। और हींग ऐड कर देने के बाद हमें प्याज ऐड करना है बारीक चॉप किया हुआ। और प्याज भुन जाने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दें लाल मिर्च पाउडर, और मिक्स कर देंगे। और हमें अच्छे तरीके से मसालों को भुनना है। अब हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक मसाले में से तेल ना छूटने लगे। तो ये देखिए मसाले में से तेल छूटने लगी है। तो अब हम पानी ऐड कर देंगे, पानी आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सारे पकौड़े ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। सो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।